ओम भ्रभ्यो नमो गम गणपते नमो मते नमो रम रामाय नमो माते श्री नमो नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बात करेंगे राशिफल मिथुन राशि। मिथुन राशि का सितंबर का महीना कैसा रहेगा राशिफल? मिथुन राशि का जो भी ग्रह स्थिति गोचर है मिथुन के लिए, तो सबसे पहला द्वितीय स्थान में शुक्र, तृतीय में सूर्य बुध, चतुर्थ में मंगल, पंचम में केतु और छठा सप्तम अष्टम नवम में शनि और लाभ स्थान में गुरु बृहस्पति और राहु। यह है आपका इस महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति। तो मिथुन राशि, आपका जीवन ये महीना थोड़ा सा भयपूर्ण रह सकता है। कर्म क्षेत्र में जरूर आगे बढ़ेंगे ये महीना। अगर स्वास्थ्य का बात करते हैं, बुध का परिस्थिति को लेते हुए और आपके ऊपर दृष्टि, ग्रह दृष्टि प्रभाव के लिए, तो करीब करीब 80% हेल्थी आप रहेंगे। मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डाउन रहेगा। अगर दशा अंतरदशा नेगेटिव है तो वो अलग कुंडली से अलग रहेगा। विगत महीना से ये महीना आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। धन का स्थिति का बात करें मिथुन के लिए, तो शुक्र का उपस्थिति आपके लिए धन परिस्थिति समसामयिक रहने वाला है। मिथुन राशि का अगर इस महीना कई सारे पराक्रम युक्त धर्म अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं आप, उससे फायदा भी मिल सकता है। मिथुन के लिए अगर ये महीना बात करते हैं, प्रगतिशील दिखाई देने वाला है पराक्रम से। और मिथुन का बात करते हैं तो ये भूमि भवन वाहन माता सुख मन चतुर्थ स्थान पाप कर्तरी में फंसा है। कोई रिस्क मत लीजिए। और ये फिर यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे तो सूर्य का 17 तारीख के बाद यहाँ पर आना होगा, तो उसके बाद आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। लेकिन मंगल कम्बस्ट रहेगा तो वो घर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम्बस्ट इफेक्ट में रहेगा। अगर इस महीना भूमि भवन वाहन गाड़ी मकान इत्यादि खरीदने का है तो थोड़ा सा रुको। बात करते हैं आपके प्रेम प्यार, इसका क्षेत्र मिथुन के लिए पंचम स्थान में केतु पड़ा है तो यहाँ उतना ज्यादा सक्सेस रेट नहीं है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं झोल झमेला झंझट दिख रहा है। शिक्षा का क्षेत्र बात करें तो चल जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र बात करें जब तब बहुत अच्छा रहे। मिथुन का अगर दाम्पत्य सुख का बात करते हैं, गुरु बृहस्पति जाके बकरी अभी होने वाले हो जाएंगे इस महीना, तो आपके बीवी के साथ थोड़ा सा कोऑपरेशन आपको जरूरी है, तब दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। आपका भाग्य का बात करें तो ये मिथुन के लिए टॉप है। भाग्याधिपति भाग्य के घर में, तो नेचुरली हर प्रकार से कम मेहनत में बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लस लाभ स्थान तो आपका सुपर एक्टिव है, कोई भी प्लैनेट वहां बुरा फल दे नहीं सकता। तो लाभ और इन्वेस्टमेंट हर प्रकार का, ये गुरु चांडाल भी कलयुग के लिए उत्तम बनता है यहाँ पर भाग्य स्थान में, तो आपके लिए सबसे बढ़िया कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं कुछ गुड डेज बैड डेज। महीना का शुरुआत आपके थोड़ा सा लेथर्जिक लेवल पे स्टार्ट होगा, लेकिन उसके बाद जो ये 2-3 आप मिथुन के लिए लॉक रहेगा उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। कर्म क्षेत्र ऑलरेडी ब्लॉक पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर आगे बोला हूं, तो उतना इफेक्टिव नहीं देने वाला है, लेकिन फिर भी काम बनेगा। लाभ का बात करते हैं, 3, 4, 5, 6 इस डेज को एकदम बढ़िया से एनकेस करें, आपको लाभ मिल सकता है। क्रिएटिव माइंड आपको मिलेगा। और 7-8 नहीं चाहते हुए बिना फालतू का खर्चा यात्रा अगर जाते हैं तो परेशानी हो सकता है। 9 और 10 आपके घर में ही चंद्रमा रहेगा तो बड़ा क्रिएटिव माइंड रहेगा और प्लानिंग बढ़िया कर सकते हो, तो इस दिन को उपयोग करिए। उसके बाद परिवार धन वाणी क्षेत्र में 11-12 को सावधान रहेंगे, कुछ झमेला झंझट बन सकता है, होगा गारंटी नहीं दे रहा। 13, 14, 15 का बात करते हैं मिथुन के लिए, तो ये बहुत बढ़िया दिन रहेगा, पराक्रम युक्त दिन रहेगा, मेहनत कर सकते हो, एनर्जी टॉप पे रहेगा। हाँ, अगर कुंडली खराब है तो अलग बात, लेकिन दशा अंतरदशा सपोर्टिव है तो ये महीना आपके लिए, ये डेट आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। 16, 17 डिसीजन ना लें, नेगेटिव रहेगा, माइंड फंक्शन नहीं करेगा। घात चंद्र योग 15
ये 18, 19, 20 केतु के साथ चंद्रमा, गाड़ी देख के चलाएं, सिग्नेचर बिना देख के, बिना पढ़ के ना करें। मिथुन का छठा 21, 22 टॉप बेस्ट पराक्रम सफलता कार्य सिद्धि जो आरोग्यता एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट मजा मस्ती 23, 24, 25 एकदम मस्त पिकनिक घूमो, महीना भर काम करते हो 3 दिन छुट्टी लो। और दा उसके बाद 25, 26, 27 मानसिक तनाव बढ़ सकता है, टेंशन हो सकता है, सावधान रहना। 27, 28, 29 ये आपके लिए कर्मदायी और सफलपूर्ण रहेगा। तो ये था मिथुन राशि का गुड डेज एंड बैड डेज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे। और ये महीना थोड़ा सा सेफ्टी जो डेट में बताया उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और निर्णय का जो डेट बताया, कोई अगर बड़ा निर्णय लेना है उसी समय ही डेट निर्णय लें। त्योहार का महीना है, बहुत सारे पूजा, गणपति पूजा, विश्वकर्मा पूजा और पितृ तर्पण का प्रारंभ 30 को आसपास शुरू हो रहा है, और जन्माष्टमी फेस्टिवल टाइप भी प्रोग्राम है, कृष्ण का, भगवान का, राधाष्टमी भी इसमें भी है। तो इन त्योहारों को बड़े धूमधाम से पालन करें। आप विष्णु क्षेत्री हो, बुध क्षेत्री हो, और आपको ये इसको जरूर पालन करना चाहिए, अच्छा रहेगा आपको ये महीना। आपके लिए एक सुइटेबल है एकादश का, एकदम एक्टिव एनर्जी है, पैसा का इन्वेस्टमेंट और धन का जो फ्लो है ये महीना कहीं ना कहीं आपको कहीं से भी रुकते हुए नहीं दिख रहा है, एक गुड जोन है। तो केवल डेट निर्णय ठीक ले लेंगे डेट समझ के तो आपके लिए सुइटेबल रहेगा। दशा अंतर दशा सही है तो राशि आपको ट्रिगिंग कर रहा है, दशा अंतर दशा बेड टाइम है तो ये ट्रिगिंग नहीं करेगा।